को, यानी रात को हमारे जो हर दिल अजीज, हमारे जो बिलव्ड हैं, जो सभी के दिलों में बसते हैं, सारे फाउंडर्स के दिलों में बसते हैं, हमारे ऐश उफारे, हमारे सीईओ, वो हमारे बीच रात को आए हैं और बहुत सारी बातें उन्होंने की। हालांकि 20 मिनट के लिए ही आए थे, लेकिन बहुत सारी बातें उस 20 मिनट के अंदर में ही बहुत सारी बातें वो कह गए। समझने वाले के लिए इशारा ही काफी है। और अपने आप को एहतियात, परहेज और जो जिन चीजों की पाबंदी आप पे लाजिम होती है, थोड़ा आज उर्दू में भी मैं बोलने की कोशिश करता हूँ आप लोगों से। हिंदी तो सब दिन सुनते हैं, जहां तक हो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आप तमाम साथियों के साथ कि हर भाषाओं में मैं अपनी भाषा कहूँ, हर बातों में अपनी बात कहूँ, हर लैंग्वेज में अपना शेयरिंग हो, हर चीज हो, हर बात हो। व्हाई? बिकॉज वी ऑल आर ऑन पैसिबियंस, बिकॉज वी आर फीलिंग प्राउड 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 आवर सेल्व्स दैट गॉड हैज गिवन मी एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी दैट वी गॉट इट, हम लोगों ने इसको पाया। तो ये वरदान है, जिस तरह से जीवन एक वरदान है, उस तरह से ऑन पैसिव भी आपके जीवन में एक वरदान बन के आया है। आप इसको किस नजरिया से देखते हैं, कैसे देखते हैं, क्या आपके दिल में ये अभी तक बसा है या नहीं बसा है, अपने आप को झांकिए और देखिए वो दिन आ गया है आपके पास। तो अपने आप को संभालिए और दिल को थाम के बैठिए आज इस मंच पे। हमारे आ चुके हैं हमारे कासगंज के दहाड़ते हुए शेर, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग्स करता है, जो हमारे और कोई नहीं, वो मनिंदर सिंह गोला है, जो हमारे हर दिल अजीज लीडर हैं, हम सबों के दिलों में बसते हैं। तो मनिंदर सिंह जी आइए सर, और दिल खोल के घंटों सर बैठिए, बातें कीजिए सर, और शेयरिंग कीजिए, और बताइए सर कि हम कहाँ हैं इस समय। थैंक यू सो मच। मैं एक्टिव स्टार इंडिया के प्लेटफॉर्म पे जितने भी हमारे होस्ट हैं, को होस्ट हैं, साथी हैं, भाई हैं, बहन हैं, जो भी हैं हमारे लेडीज एंड जेंटलमैन, सबों को जमशेद आलम पूर्णिया की जानिब से सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑफ एक्टिव स्टार इंडिया। थैंक यू सो मच। वेलकम सर हमारे मनिंदर सिंह गोला जी, कासगंज उत्तर प्रदेश से। वेलकम सर, काइंडली सर आए और अपना ब्यूटीफुल शेयरिंग वहां आप प्रेजेंट करें सर। एक्टिव स्टार इंडिया मंच आपका बहुत बहुत गहराई से स्वागत करता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर एवरीबडी दोज हु आर प्रेजेंट ऑन दिस पैनलिस्ट एक्टिव स्टार इंडिया स्टेज। थैंक यू सो सर मच फॉर साउंड कुछ इनवाइटिंग। बढ़ेगा आपका सर? थोड़ा साउंड कम है क्या? सा वॉइस को थोड़ा सा और कर दीजिए सर, रिक्वेस्ट है। कोई बात नहीं सर। जी सर, जी सर, देखिए एज गुड एज पॉसिबल सर, इट्स अ रिक्वेस्ट, बिकॉज ऑलवेज एक्टिव स्टार इंडिया ऑलवेज आर इन द मोड ऑफ रिक्वेस्ट। नाउ द वॉइस इज क्लियर सर। यस यस यस, कंटिन्यू सर, इट्स ओके सर। ओके ओके ओके, थैंक यू। अब जो आवाज है वो सही होगी लगभग। जी सर, जी, ओके, थैंक यू सो मच फॉर एवरीबॉडी एंड दोज हु आर अवेलेबल ऑन दिस मंच ऑन दिस स्टेज। एंड थैंक यू सो मच जमशेद आलम सर जी एंड सफीर सर जी एंड ऑल द होस्ट को होस्ट एंड ऑल द पैनलिस्ट
वेलकम टू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग टू मी फॉर शेयरिंग द लास्ट 360 अपडेट एंड मच मच मोर. और भी इसके अलावा कुछ शेयरिंग 360 के अलावा मैं और भी शेयरिंग करने वाला हूं जो कि शायद हम लोगों के लिए काफी ज्यादा बेहतर होने वाली है. तो सबसे पहले तो एक चीज मैं आपको ये बताऊं कि हम एक फैमिली हैं, सभी लोग जानते हैं हम एक फैमिली हैं. तो हम यहाँ पर क्या ये सही रहता है कि हम एक दूसरे की बुराई करें? अपने अपडेट को शुरू करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है और एक प्रपोजल भी है और आपका यहाँ पे सजेशन भी मैं लेना चाहूंगा. हम कहते हैं कि वी आर ग्लोबल फैमिली, हम एक ग्लोबल फैमिली है. हम यहाँ पे एक ग्लोबल फैमिली के रूप में हैं और अगर हम एज ए फैमिली अगर हम एक दूसरे की अगर हम बुराई करते हैं, एक दूसरे की हम टांग पकड़ के खींचते हैं या फिर हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो क्या ये सही है? गलत है, गलत है. चैट बॉक्स पे भी आप लिख सकते हैं, जिनके पास चैट बॉक्स है उसमें भी गलत है सर, गलत है, ये गलत है. आवाज आ रही है? गलत है ना, बिल्कुल आवाज आ रही है. तो कुल मिलाकर के सबसे पहली चीज तो सर हमें ये समझना है कि हमें यहाँ पर एक दूसरे की बुराई बिल्कुल भी नहीं करनी है. मैं ऐसा ये इस मंच पे पता क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा जरूरी हो गया था इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने दूसरे लोगों से काफी सुना है और दूसरे लोगों ने मुझे बताया भी है कि एक लीडर दूसरे लीडर की दूसरे मंच पे जो है बुराई कर रहे हैं कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, ठीक है नहीं. तो कुल मिलाकर के हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है. और जहां कहीं भी मुझे बुलाया जाता है, जैसे कि ये हमारा एक्टिविस्ट स्टार इंडिया हो गया, इसके अलावा हमारा एक मंच और भी है, वो भी आई थिंक उड़ीसा का ही है, रोहित बाल सर का, उस पर मैं संडे को जाता हूँ तो वो भी मुझे बुलाते हैं. और इसके अलावा हमारा एक रात को इंटरनेशनल सेशन, भारत इंटरनेशनल सेशन है, जो इन टोटली वहाँ पर इंटरनेशनल लोग आते हैं, वहाँ पर भी अब मुझे इनवाइट मुझे किया जा रहा है, तो वहाँ पर भी अब मुझे बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है. ये सब क्या है? एक मान सम्मान है, पहली चीज तो ये है. अगर आपको कोई इंसान बुलाता है, अभी तो हम वर्चुअली हैं लेकिन आने वाले टाइम के अंदर हम फिजिकल भी यहाँ पे मिलने वाले हैं, मीटिंग ऑर्गेनाइज करने वाले हैं अपने अपने अलग अलग शहरों में, वहाँ पर भी हम कस्टमर को अपने कंपनी के बारे में, अपने इस टूल के बारे में, अपने इस डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में, आईटी सेक्टर के बारे में सब कुछ प्रमोट करने वाले हैं. तो ऐसे बहुत सारे अभी हमारे पास मौके आने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे नहीं लगता कि सही है. मैंने आज तक किसी की बुराई नहीं की, ना इस मंच पे ना किसी दूसरे मंच पे, क्योंकि हमें समय नहीं मिलता, हमें अपनी शेयरिंग से मतलब होता है. लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के जरिए जो है बहुत सारे लोग एक दूसरे की बुराई भी कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है. हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है. और अगर आपके मंच पे, मैं तो केवल यहाँ पे एक दिन आता हूँ हफ्ते में, और बाकी के जो 6 दिन अलग अलग लीडर आते हैं, और आप अगर इस तरीके की बातें सुनते हैं कि एक लीडर दूसरे की बुराई कर रहे हैं वो भी नाम लेके, तो कम से कम वहां पे आपको अपनी एक सहमति जरूर देनी चाहिए कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, है ना? आखिर आपने ऐसा किसी का नाम लेकर के क्यों बुराई कर रहे हैं? ये सही नहीं है. तो कुल मिलाकर के ये है कि हमें यहाँ पर एक दूसरे को हाथ पकड़ के ऊपर लेके जाना है. यहाँ पे हमें एक दूसरे की एक हेल्प करने के लिए है. अभी मेरे पास एक कॉल आई थी आगरा से, 2 बार पेमेंट कट गया, एक क्रिप्टो से उनका पेमेंट कट गया और दूसरी बार उनका बैंक अकाउंट से पेमेंट कट गया. बैंक अकाउंट से पेमेंट कट गया उससे तो उनका वो कनेक्ट सही तरीके से सक्सेसफुली रिचार्ज हो गया, लेकिन जो क्रिप्टो से पेमेंट कट गया वो उनका अभी तक पेमेंट वापस नहीं आया है. तो उन्होंने मुझे कॉल किया, तो मैंने उनसे ये नहीं कहा कि आप मेरे टीम में हो या नहीं हो, मैं आपकी हेल्प क्यों करूँ और मैं आपकी हेल्प क्यों करूँगा. मैंने उनसे सिर्फ इतना ही कहा कि जितना मुझसे हो सकता है
मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा, क्योंकि उनका पैसा फंस गया उसमें। तो कहीं ना कहीं हमें एक हेल्पफुल भी यहाँ पर होना है। तो इन सारे चीजों को हमें ध्यान रखना है, बिकॉज वी आर गोइंग टू द लास्ट स्टेज। हम एक फाइनल स्टेज में चल रहे हैं, हम एक लास्ट स्टेज में चल रहे हैं, जहां पर हमारा जो इंतजार है वो पूरी तरीके से खत्म होने वाला है। इंतजार, जिस इंतजार को करते करते आज 2-3 साल हो चुकी हैं, वो खत्म होने वाला है। अगर हम लास्ट मोमेंट में आकर के अगर हम ऐसी बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है। सो आई थिंक इस बात को कहने का मेरा मकसद यही था कि हफ्ते में एक दिन मैं यहाँ पे आता हूँ, बाकी के जो 6 दिन होते हैं जो हमारे इस मंच पे एक्टिविस्ट आर इंडिया के होस्ट एंड को होस्ट हैं, वो प्लीज इन सारी चीजों को मेंटेन करें। क्योंकि अभी हमारे एस मुफारे सर की भी एक न्यूज वायरल हो रही है, जिनका बिहेवियर ठीक नहीं है, जो नेगेटिव ज्यादा बोलते हैं या फिर नेगेटिविटी फैलाते हैं या फिर लोगों को जो है नेगेटिव करते हैं, इस टाइप के लोगों को जो है बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। और जो लोग कंपनी के बारे में, सीईओ के बारे में, ग्लोबल लीडर्स, कंपनी, प्रोडक्ट और इन सारी चीज़ों के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये कंपनी फ्रॉड है, ऐसी है, वैसी है, इन सारे लोगों को कभी भी यहाँ पर जो है माफ़ नहीं किया जाएगा। और जब भी हम किसी की वीडियो भी देखते हैं यूट्यूब पर, तो आप कमेंट उसी प्रकार के करें कि जिससे कि कंपनी की भी छवि बने, उसमें नेगेटिव कमेंट बिल्कुल भी ना करें, उसका भी फर्क पड़ता है। सो आई होप मेरा कहने का मकसद यही था थोड़ा सा, कि यहाँ पर होस्ट एंड को होस्ट से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस मंच को जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन यहाँ पर रखा जाए, जिस तरीके से एसर अपने बिजनेस को पूरी तरीके से नीट एंड क्लीन यहाँ पर रखना चाहते हैं, बिल्कुल भी गंदगी यहाँ पे नहीं चाहते हैं, और इसी तरीके से हमें भी यहाँ पर होना चाहिए। सो कम टू द पॉइंट, सो नाउ वी विल गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द 360 अपडेट। कल हम सब लोगों ने देखा, सुना और बहुत सारे लोगों ने अटेंड भी किया होगा। अगर हमने उसको सही तरीके से अटेंड किया होगा तो काफी ज्यादा अच्छी हमें खबर भी मिली है। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है मनिंदर सिंह गोला और आज मैं इस मंच पे हूं, और काफी समय हो गया मुझे इस मंच पर आए हुए। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी का, और कासगंज उत्तर प्रदेश इंडिया से मैं बिलोंग करता हूं, और पिछले 2.5 साल से मैं इस ऑन पैसिव का पार्ट हूं, ऑन पैसिव फैमिली का हिस्सा हूं। और आज काफी ज्यादा मुझे खुशी होती है कि आज बहुत बहुत एक आने वाली जो जर्नी है या आने वाली जो हमारी जिंदगी है उसको हम महसूस कर पा रहे हैं कि हाँ वास्तव में एक आने वाली जो लाइफ है वो कितनी बेहतरीन होने वाली है यहाँ से, और क्या फ्यूचर हम सब लोग अपने बारे में और कंपनी के बारे में देख पा रहे हैं। बहुत अच्छा महसूस होता है, कभी कभी अपने आप पे भी एक यकीन नहीं हो पाता है, बिलीव नहीं आ पाता है कि हाँ मैं आज एक ऐसे सिस्टम के अंदर आ चुका हूँ जो कि एक बहुत ही वर्ल्ड वाइड और हम सब लोगों को पूरी दुनिया में फेमस करने के लिए यहाँ पर आया है। सो कल की जो हमारी अपडेट थी, अपडेट तो हम सब लोगों ने देखी है, सुनी है, और सुबह से उसकी रिगार्डिंग वीडियोस भी आनी शुरू हो जाती हैं, सभी लोगों को पता है अपडेट। लेकिन कुल मिलाकर के उस अपडेट को अगर हम सही तरीके से अगर हम समझते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जो एस सर एक एक पॉइंट को जो हम सब लोगों के साथ शेयर करते हैं वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अपने आप में एक बहुत बड़ा एक मीनिंग भी रखती है, एक एक लाइन उनकी मीनिंगफुल होती है। सबसे ज्यादा मैंने एक चीज पे गौर किया है कि एस मुफारे सर अपने प्रोडक्ट को लेकर के काफी ज्यादा सीरियस रहते हैं। जी हाँ, अपना जो प्रोडक्ट है वो कनेक्ट हो या फिर अपकमिंग प्रोडक्ट हो जो आने वाले हैं, उन सभी को लेकर के काफी ज्यादा सीरियस रहते हैं। और एक चीज और भी है, जैसे जैसे हमारी कंपनी आगे बढ़ती जा रही है उस तरीके से हम लोगों को भी एक ये फीलिंग आ रही है कि एक आईटी सेक्टर में लोग किस तरीके से ग्रो कर जाते हैं और कम समय में एक बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो वीकली हो, किसी भी तरीके से हो वो पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे अभी
हम सब लोगों ने डाटा सेंटर के बारे में भी सुना एस मुफारिज सर के माध्यम से, डोमेन के बारे में भी सुना, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में भी सुना। ये ऐसी चीजें हैं, अगर हम इनकी हिस्ट्री को थोड़ा सा सही तरीके से पढ़ें, अगर हम इसकी हिस्ट्री को सही तरीके से देखें, इसके गहराई में घुसें, तो हम सब लोगों को इसी से ही बहुत कुछ हासिल हो जाएगा कि हाँ जो कस्टमर आने वाले हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये कुछ ऐसी एक अलग बैकग्राउंड में चीजें होती हैं जिनके माध्यम से कंपनी एक बहुत अच्छा रेवेन्यू क्रिएट करती है, एक बहुत अच्छा रेवेन्यू बनाती है। और अभी तक जितने भी हमारे यहाँ पे आईटी सेक्टर के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, कंपनियां चल रही हैं, वो आज तक सिर्फ और सिर्फ अपने लिए आई हैं, किसी इस दुनिया के अंदर एक आम इंसान के लिए कभी भी नहीं आई। इसलिए यहाँ पर हम सब लोगों को समझना है कि कस्टमर तो हैं, लेकिन कस्टमर के साथ साथ और भी बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे चल रही हैं। तो कल का जो हमारा 360 का वेबिनार था, उसमें सबसे पहले हमारे एस ने ओ कनेक्ट के बारे में ही सबसे पहले उन्होंने बताया, क्योंकि ये हमारा आपको पता है कि बैकबोन है, और ये बैकबोन क्यों है ये भी आपको पता है, क्योंकि हमारा इन टोटल बिजनेस ओ कनेक्ट पर ही डिपेंड है। ओ कनेक्ट इज फाइनलाइज एंड माइग्रेशन प्रोसेस विल स्टार्ट टुमारो, कल से इसका जो माइग्रेशन प्रोसेस है, जो हमारा एक नया ओ कनेक्ट न्यू वर्जन में आने वाला है, उसका माइग्रेशन शुरू होने वाला है। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट आने वाला है न्यू वर्जन में, पूरी तरीके से गेम चेंजर होने वाला है, पूरी तरीके से गेम चेंज कर देगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंडस्ट्री विल बी चेंज टोटली विल बी चेंज्ड, देन ओनली वीडियो आवर ओ कनेक्ट, केवल हमारा जो ओ कनेक्ट है यही हर जगह आपको नजर आने वाला है। लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा इसको, किसी भी चीज को वायरल होने में, किसी भी चीज को एक इंसान तक पहुंचने में, एक कंपनी तक, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचने में थोड़ा सा समय जरूर लगता है, बट इसके जितने भी फीचर्स आ रहे हैं सारे के सारे फीचर्स AI कंपोनेंट्स वाले होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और कोई भी ऐसा हमारा एरिया नहीं है आने वाले टाइम के अंदर जहां पे हमारे AI वाले फीचर्स या AI वाले प्रोडक्ट यूज ना किए जाएं, क्योंकि अपकमिंग डेज विल बी डिपेंड ओनली ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर हम किसी भी स्मार्ट सिटी को बनने के बारे में सुनते हैं कि गवर्नमेंट लखनऊ को या इंदौर को या बरेली को या आगरा को या किसी और बिग सिटीज को जो है एक स्मार्ट सिटी बनाने जा रही है, देन 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी विल बी यूज देयर, 100% वहां पे यूज होने वाली है, हर एक सेक्टर में यूज होने वाली है। आने वाले जितने भी प्रोडक्ट होंगे, चाहे वो हमारी कंपनी के हों या अदर कंपनी के हों, मैक्सिमम सभी कंपनियां इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूर कर रही हैं, क्योंकि इसके बिना, विदाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देयर विल बी नथिंग, कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होगा। वी हैव क्रिएटेड अ क्लीन एथिकल मार्केट एंड विल गिव ऑल इंडिविजुअल एंड कंपनीज अ फेयर चांस। यहाँ पे हम सब लोगों को ये जान करके खुशी है, बहुत ही ज्यादा, वी आर सो हैप्पी दैट आई एम वर्किंग, वी ऑल ऑफ आर वर्किंग इन अ एथिकल मार्केट विद अ एथिकल कंपनी। अगर हम एथिकल यानी कि एथिक्स की अगर हम बात करें, तो एथिक्स वो चीज होती है जिसमें कंपनी अपने हर किसी भी चीज से कंप्रोमाइज कर सकती है, लेकिन एथिक्स से कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेगी। एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स वो होते हैं जिस पर कंपनी पूरी तरीके से टिकी होती है। एक रूल बनाया जाता है, बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल बनाया जाता है कि ये होना है तो यही होना है, हमें ऐसे काम करना है तो ऐसे ही करना है, उसमें कोई भी व्यक्ति अपना कोई भी नमक मिर्च मिलाकर के कुछ भी नहीं कर सकता, वो होते हैं एथिक्स। तो कंपनी पूरी तरीके से एथिकल है और मार्केट भी हमारा पूरी तरीके से एथिकल होगा, क्लीन होगा, किसी भी टाइप का कोई भी यहाँ पर करप्शन नहीं होने वाला। स्पेशली अगर हम बात करें अपने इंटरनेट की, क्योंकि वी आर टोटली डिपेंड ओनली ऑन द इंटरनेट एंड वी आर वर्किंग ओनली ऑन द इंटरनेट एंड ऑल द प्रोडक्ट्स एंड ऑल द बिजनेस विल बी रन बाय द इंटरनेट टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मोर देन 50 प्लस प्रोडक्ट्स आर कमिंग एंड क्रिएटिंग एंड अपकमिंग 2-5 प्रोडक्ट्स आर कमिंग एंड विल बी
इंटीग्रेटेड एज सून एज पॉसिबल इन अवर इकोसिस्टम। बहुत ही जल्दी ये सब कुछ होने वाला है, तो कहीं ना कहीं हमें एथिकल तरीके से हमें भी रहना पड़ेगा। एथिकल तरीके से, एथिकल का मतलब बिल्कुल ईमानदारी से कह सकते हैं हिंदी में, बिल्कुल ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। जहां पर अगर एक रुपए की बात आती है तो सिर्फ एक रुपया ही वहां लगे। OES is done and we will have a rollout process, a new product. OES पूरी तरीके से done हो चुका है and the upcoming products will be roll out in our ecosystem. बहुत ही जल्दी उनको roll out कर दिया जाएगा, जितने भी हमारे new product हैं उनको roll out कर दिया जाएगा। और जैसे ही उनको roll out कर दिया जाएगा फिर उसके बाद हम उनको purchase कर सकते हैं। अगर कोई paid होता है, अगर free product होते हैं तो हम उनको आसानी से यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। एज लाइक एज ओ मेल, ओ नेट एंड ओ ट्रिम, दीज थ्री प्रोडक्ट्स आर फ्री एंड द ओ क्रिएट एंड सॉरी ओ ट्रैकर एंड ओ कनेक्ट नाउ दीज टू आर द पेड प्रोडक्ट। ऐसे हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो फ्री में भी इस्तेमाल होंगे, बिल्कुल, क्योंकि कस्टमर हमेशा सबसे पहले फ्री की तरफ अट्रैक्ट सबसे ज्यादा होते हैं। सब्जी लेने जाते हैं तो धनिया मिर्च उनको फ्री में चाहिए, जो धनिया मिर्च नहीं देगा वहां से सब्जी नहीं खरीदते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होंगे जो हमारे बिल्कुल फ्री में भी यूज होने वाले होंगे। सबसे ज्यादा जो इस समय हमारी लाइफ को चेंज करने के लिए, हमारे पूरे इस सिस्टम को चेंज करने के लिए जो सबसे बेहतरीन और हमारे कस्टमर को एक मल्टीपल फैक्टर में लाने के लिए जो सबसे ज्यादा जो हमारा प्रोडक्ट यूज होने वाला है, दैट इज वन ओनली ऑन ओ डोमेन। ओ डोमेन इज अ वेरी वेरी पावरफुल प्रोडक्ट टूल सॉफ्टवेयर। ओ डोमेन दैट इज नॉट ओनली अ प्रोडक्ट, दिस इज अ सर्विस प्रोवाइडर। वी आर रजिस्टर्ड एज ए सर्विस प्रोवाइडर टू गिव द डोमेन नेम टू द ऑल द कस्टमर टू द वर्ल्ड। जितने भी हमारे कस्टमर हैं इस दुनिया के अंदर, सभी को हम एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में लोगों को डोमेन देने वाले हैं, .com, .in, .org एंड लाइक दिस द अदर डोमेन नेम एंड द अदर। जितने भी हमारे डोमेन नेम्स हैं अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग यहां पर यूज होते हैं। और सबसे ज्यादा कमाल की चीज ये है, द ऑल द डोमेन नेम एज ए सब्सक्रिप्शन मंथली वीकली एंड नॉट वीकली मंथली क्वार्टरली ईयरली एंड आफ्टर सिक्स मंथ, इस टाइप से ये हमारे डोमेन होते हैं। और जब जब ये एक्सपायर होते हैं तब तब जितनी भी वेबसाइट हमारे डोमेन से क्रिएट होंगी वहां से एक रेजिडल एक चार्जेस वहां से हमेशा आता रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है और आई थिंक आपने सुना ही होगा आईकेन। आईकेन के बारे में सबने सुना होगा और सभी ने जान भी लिया होगा कि व्हाट इज आईकेन, आईकेन क्या है और आईकेन किस तरीके से काम करती है। इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइनमेंट नेम्स एंड नंबर्स एंड दैट इज ए नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। अगर इस वर्ड को अगर हमने सही तरीके से समझ लिया, नॉन प्रॉफिटेबल, फॉर एग्जाम्पल आप ये मान के चलो कि आप एक, मैं आपके घर का ये एग्जाम्पल देता हूँ कि आप एक अधिकारी हो, है ना, आप एक अधिकारी हो और आपके पास एक कोई व्यक्ति आता है फाइल को साइन कराने के लिए। क्या फाइल को साइन कराने के लिए कोई एक व्यक्ति आता है आपके पास, जो कि एक बहुत बड़ा टेंडर भी कह सकते हैं, लेकिन आप किसी से कोई चार्ज नहीं लेते हो, किसी से कोई चार्ज नहीं लेते हो, तो आप क्या देखोगे उसमें, आप ये देखोगे कि यहां पर मैं इस पे साइन क्यों करूं मैं इस पे साइन, क्योंकि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है आई कैन। और यहां पे मैं एक आपका एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आप भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जहां पर बहुत सारे लोग आपसे अप्रूवल लेने आते हैं, आपको आपसे एक परमिशन लेने आते हैं, वेरीफाई होने के लिए आते हैं, तो आप उसकी सिर से लेके चोटी तक की एक एक चीज को बारीकी से आप चेक करोगे कि ये सही में काम कर रहे हैं या नहीं, जेन्युइन काम कर रहे हैं या नहीं,
इस तरीके से आप उनकी एक एक चीज को यहां पर चेक करोगे। सो वो डोमेन को आफ्टर 3 इयर्स अप्रूवल मिला है, 3 साल के बाद यहां पर अप्रूवल मिला है और ये एक बहुत ही लंबा समय है। एंड आफ्टर 3 इयर्स वी हैड ऑलरेडी सक्सीड टू गेट द अप्रूवल एंड वेरीफाइड बाय द आईकेन, देन वी विल बी 100% प्रूफ दैट वी आर अ जेन्युइन कंपनी, हम एक जेन्युइन कंपनी है। ये पूरी तरीके से प्रूफ करता है कि हाँ हम एक जेन्युइन कंपनी है। अगर कोई व्यक्ति आज की डेट में फ्रॉड बोलता है अपनी ऑन पैसिव को या इलीगल बोलता है, तो आप ये वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, क्लाउड कंप्यूटिंग का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं आप। क्लाउड कंप्यूटिंग तो एक अपना ही एक सिस्टम है, लेकिन आईकेन अपना सिस्टम नहीं है, ये तो दूसरी संस्था है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंपनी को उसने सिर से लेके एडी तक पूरी तरीके से चेक किया है, क्योंकि उसको वो तो नॉन प्रॉफिटेबल है ना, और जो रिश्वत नहीं लेता है, जो पैसे नहीं लेता है, तो आपको पता है कि वो बिल्कुल रियल पर्सन के साथ और रियल कंपनी के साथ ही काम करता है हमेशा। कैलिफोर्निया में इसका हेड ऑफिस है, 1998 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और इसका काम ही है पूरे इंटरनेट को स्पेसिफाई करना, जितने भी इसके अंदर डोमेन जो आज सर्विस प्रोवाइडर के रूप में जो आज काम कर रहे हैं, एज लाइक एज वी नो वेरी वेल दैट अबाउट गोडैडी, गोडैडी के बारे में हम सब लोग जानते हैं, गोडैडी इज वर्किंग नाउ एज ए सर्विस प्रोवाइडर। इफ यू आर क्रिएटिंग द एनी वेबसाइट नाउ दीज डेज, इफ यू वॉन्ट टू रन द एनी बिजनेस ऑन द इंटरनेट, देन यू हैव टू नीड द डोमेन सिस्टम, आपको इसकी जरूरत पड़नी ही पड़नी है। एंड बिसाइड्स द डोमेन सिस्टम यू हैव टू ऑल्सो नीड द होस्टिंग, आपको होस्टिंग की भी जरूरत पड़नी है डोमेन नेम के अलावा। तो यहाँ पे आपको अभी हमारे पास डोमेन ओ डोमेन अभी ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन हम बहुत जल्दी होंगे इस फील्ड में। तो अगर आज की डेट में कोई भी व्यक्ति वेबसाइट क्रिएट कर रहा है तो उसको गोडैडी के पास अभी वो चला जाता है, क्योंकि अभी वो बहुत पॉपुलर है एज लाइक एज गूगल फेसबुक। अगर हम ये सर्च इंजन की बात करें तो गूगल, सोशल मीडिया की बात करें तो इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। इसी तरीके से आज डोमेन की बात करें तो डोमेन सर्विस प्रोवाइडर गोडैडी का नाम सबसे पहले आता है। तो यहां पर हम एक जेन्युइन कंपनी है बिकॉज द आई कैन टोटली चेक्ड टू द ऑन पैसिव फ्रॉम ए टू जेड, शुरू से लेके लास्ट तक चेक कर चुकी है, इसलिए हम यहां पर एक जेन्युइन कंपनी है और वो किसी से कोई प्रॉफिट नहीं लेती है, बल्कि इस पूरे यूनिवर्स के अंदर जितने भी ये इंटरनेट पर जितने भी सर्वर काम कर रहे हैं, जितने भी ये डोमेन प्रोवाइडर हैं, उन सभी को मैनेज करने का ये काम करती है। आवर डाटा सेंटर इज वेरी यूनिक एंड द मेजोरिटी ऑफ इट इज कंप्लीट, हमारा जो डाटा सेंटर है वो भी पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और मल्टीपल डाटा सेंटर तो आना ही आना है आने वाले वक्त के अंदर। We appreciate all the hard work of the people involved over the last several years and look forward to the final phase. पिछले कई सालों से जो है हमारे बहुत सारे जो participants हैं, हमारे engineers हैं जो hard work कर रहे हैं पिछले कई सालों से, आज वो final phase में आ चुके हैं। Final phase means we are going to run in the world. हम इस पूरी दुनिया में अब रन होने वाले हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू रूल ओवर द वर्ल्ड, इस पूरी दुनिया के ऊपर राज करने वाले हैं, वो वक्त आ चुका है। पेमेंट प्रोसेसर, टू ऑफ द मर्चेंट कैप्ट मनी, एसर ने ये भी बताया था कि हमारे कुछ ऐसे पेमेंट प्रोसेसर थे जिन्होंने हमारे पैसे को रख लिया, दे वर रिलेटेड एंड मेड फॉल्स एक्विजिशन, उन्होंने बहुत सारा झूठ बोला, इस तरीके से काम किया और उन्होंने पैसा भी रख लिया है, बट कोई बात नहीं, बहुत सारी लीगल प्रोसेस जो है उनको कवर कर रही हैं, लेकिन वो पैसा लेके नहीं जा पाएंगे। देन इट इज अ वेरी बिग मनी बैटल दैट वी विल विन, एक बहुत बड़ा मनी बैटल तो है, ये पैसे के लिए युद्ध लड़ा जा रहा है, लेकिन हम 100% यहाँ पे जीतेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम सब लोगों को जो मिली है ना, ये हम जितनी बड़ी अपने अंदाजे से सोच रहे हैं वो हमारा जो माइंड है ना,
जो सोचने की जो पावर है वो ब्लास्ट हो जाएगी। बस थोड़ा सा अगर हम धैर्य रखें और यहाँ पे इन सारी चीजों के बारे में गहराई से सोचें कि यहाँ पर ये किस तरीके से ऑन पैसे ब्लास्ट करने वाली है इस पूरी दुनिया के अंदर, किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो किस तरीके से रूल करने वाले हैं इस पूरी दुनिया पे, इस पूरे इस इंडस्ट्री को अलग करने वाले हैं। एक एक इंडस्ट्री के अंदर हमारा प्रोडक्ट यूज होने वाला है। अभी आपने देखा कि हमारे ऑफिस के अंदर पहले 500 लोग काम कर रहे थे, ज्यादा नहीं थे, पहले 500 लोग काम कर रहे थे, लेकिन अब 2000 एम्प्लॉयज वहां पे काम कर रहे हैं। सम हैव लेफ्ट बट वी अप्रिशिएट द मैनी पीपल हु आर एथिकल एंड हैव गुड कैरेक्टर्स एंड अंडरस्टैंड द विजन ऑफ द ऑन पैसिव। यहां पे बहुत सारे ऐसे भी थे जो कि शायद वो एथिकल तरीके से काम नहीं कर पा रहे हो, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सही तरीके से यहाँ पे एथिकल तरीके से काम कर रहे हैं और ऑन पैसिव के विजन को अच्छी तरीके से समझते भी हैं, वो अपना ड्रीम भी देखते हैं। तो यहाँ पे 2000 आज एम्प्लॉय हैं जो आज ऑन पैसिव ऑफिस के अंदर, हेड ऑफिस के अंदर लगातार काम कर रहे हैं, डे एंड नाइट विदाउट टायरलेस, बिना रुके बिना थके काम कर रहे हैं। तो ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आज हम जो कनेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं एंड द अपकमिंग प्रोडक्ट्स आर कमिंग, हमारे आने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो भी इंटीग्रेट होने वाले हैं, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी हम सब लोगों को दिखाई देंगी इस इकोसिस्टम के अंदर। वी आर मोर स्टेबल कॉरपोरेटली एंड वी आर बूमिंग बेटर देन एवर बिफोर। जिस तरीके से ये कॉरपोरेट फील्ड है हमारा, पूरी तरीके से ये और भी ज्यादा बूम होने वाला है यहाँ पर, जो पहले कभी नहीं हो पाया था। अभी आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, यहाँ पे एक चीज है डाटा साइंस का, आपने नाम सुना होगा डाटा साइंस। अभी जितना डाटा आज कॉपी किताबों पे पहले यूज होता था, अब आने वाले टाइम के अंदर ये सब का सब हार्ड डिस्क में ही समाने वाला है, क्लाउड कंप्यूटिंग पे समाने वाला है। जितना ज्यादा डाटा हमारा कंज्यूम होने वाला है, उतना ही ज्यादा यहां पर रेवेन्यू भी बनने वाला है। मोर डाटा कंजम्पशन एंड द मोर क्रिएटिंग द रेवेन्यू। जितना डाटा कंजम्पशन होगा, उतना ही ज्यादा यहां पर रेवेन्यू बनने वाला है, क्योंकि इस समय जिस दौर में हम चल रहे हैं वह एक डाटा का दौर है। डाटा अभी आप देख रहे हैं कि 2016 में जब जियो आया था, उसके बाद से एक बिल्कुल नई क्रांति आ गई थी इंडिया के अंदर। लेकिन उससे पहले कोई यूट्यूब को भी नहीं जानता था, लेकिन यूट्यूब पहले से था, कोई गूगल को भी नहीं जानता, बहुत कम लोग जानते थे। लेकिन जब से 2016 में जब फ्री में इंटरनेट मिलना शुरू हुआ, तब से हर घर के अंदर इन सारी चीजों के बारे में पता चल गया, और वहीं से ही एक बहुत बड़ा डाटा यहां पर खर्च होना शुरू हो गया था। और पहले डाटा आता था 2 GB अलग, उसका कीमत देना पड़ता था, 1 GB का अलग, 2 GB का अलग, 3 GB का अलग, लेकिन अब फ्री मिल जाता है। तो ये एक आने वाला दौर है कि इससे भी ज्यादा डाटा यूज होने वाला है, इससे भी ज्यादा, मोर एंड मोर डाटा विल बी कंजम्पशन बाय दीज पीपल्स एंड इंटरनेट यूजर्स, क्योंकि एक एक चीज डिजिटल होने जा रही है, एक एक चीज यहाँ पे डिजिटली हम काम करने जा रहे हैं, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम सब लोगों को समझना है। इसलिए ऑन पैसिव इज क्रिएटिंग द क्लाउड कंप्यूटिंग, ओ डोमेन एंड द अदर मैनी मोर प्रोडक्ट्स। बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स ये बना रही है जो कि बहुत ज्यादा डाटा यहाँ पे कंजम्पशन करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे बैंक एंड क्रिप्टो के बारे में जब एस सर ने बताया कि यहाँ पर ये जो ऑप्शंस आने वाला है पेमेंट का कमीशंस के लिए, अभी बहुत सारे लोग इसको इंतजार कर रहे हैं, बट आवर वेटिंग विल बी फिनिश आई थिंक नेक्स्ट 7 or 10 days। आने वाले जो 7 or 10 days है शायद हमारा ये इंतजार खत्म हो जाएगा। मे बी ऑल द थिंग्स विल बी डिपेंड ऑन द ओनली ऑन द रियल टाइम,
वैसे भी सारी चीजें हमको पता है कि रियल टाइम पे ही डिपेंड होती हैं, रियल टाइम पे ही सब कुछ हमें पता चलता है कि इसमें और कितना वक्त लग सकता है। लेकिन यहाँ पे जो अगले हफ्ते के लिए सर ने बोला है, तो आई थिंक ये स्टार्ट हो जाना चाहिए। बैंक एंड क्रिप्टो ऑप्शन दोनों ही, पहले तो बताया था कि केवल क्रिप्टो के माध्यम से ही हम लोगों को पहले दिया जाएगा, लेकिन अब बैंक के माध्यम से भी ये हम सब लोगों के पास आने वाला है। जिन्होंने बैंक के माध्यम से भी विड्रॉल लगा के रखे हुए हैं, उनके माध्यम से भी यहाँ पर आने वाला है। सो आई थिंक जिन्होंने बैंक से लगाए हैं, तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है आईएफएससी कोड और एक है स्विफ्ट कोड। आईएफएससी कोड से किस किसने लगाया है, स्विफ्ट कोड से किस किसने लगाया है, तो आई थिंक इसके बारे में आप लोग बेटर जानते होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आपने बैंक अकाउंट के माध्यम से लगाया है अपना विड्रॉल, तो वी हैव टू नीड द स्विफ्ट कोड ओनली, नॉट आईएफएससी कोड, क्योंकि आईएफएससी कोड इज वर्किंग ओनली ऑन द लोकल कंट्री, बट द स्विफ्ट कोड इज वर्किंग ओनली इज वर्किंग फ्रॉम आउट ऑफ कंट्री, कंट्री टू कंट्री। तो यहाँ पे हमें स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल करना है, और अगर आप स्विफ्ट कोड सर्च करना चाहते हैं, स्विफ्ट कोड को ढूंढना चाहते हैं कि आपके बैंक का स्विफ्ट कोड क्या है, तो हो सकता है कि आप एक बिग सिटीज में रहते हो तो वहां का स्विफ्ट कोड तो आसानी से मिल सकता है, लेकिन एक छोटे एरियाज में जो आपका बैंक खाता होगा तो वहां का स्विफ्ट कोड मिलना इम्पॉसिबल है, वहां पर होता ही नहीं है। इसके लिए आपको मेन ब्रांच का मिल सकता है। सो यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने आईएफएससी कोड से अगर अपना विड्रॉल लगाया होगा तो मे बी विल बी कैंसिल, ये कैंसिल हो सकता है, मे बी हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि हो जाएगा, वो तो ये आगे जब आएगा बैंक में ट्रांसफर होगा नहीं होगा और क्यों नहीं हुआ, तो ये तो हमें बाद में पता चलेगा, तो ये तो उसके बाद ही पता चलेगा। बट आई थिंक अगर ये कैंसिल हुआ तो कंपनी ऑलरेडी विल बी डिक्लेयर्ड व्हाट इज द रीजन आफ्टर बिहाइंड दिस कैंसिलेशन, इसका क्या रीजन है, कैंसिल क्यों हुआ, उसका रीजन हमें मेल के माध्यम से और हमारे वॉलेट सेक्शन के अंदर भी हम सब लोगों को मिल जाएगा। सो आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, एंड देन योर रिवेन्यू विल बी रिटर्न इन योर वॉलेट, आपके वॉलेट के अंदर रिवेन्यू आप वापस आ जाएगा, ये नहीं कि वो कंपनी जो है खत्म कर देगी उसको जो आपने विड्रॉल लगा रखा है। अगर कैंसिल हुआ तो, अगर कैंसिल नहीं हुआ तो देन विल बी ट्रांसफर इन योर अकाउंट। तो यहां पे हमें दो चीजें हैं, आईएफएससी कोड एंड स्विफ्ट कोड, हमें बहुत ही संभल के उसको इस्तेमाल करना है। जस्ट और अगर मैं अपनी बात करूं तो जस्ट फॉर चेकिंग ओनली ऑन वी हैव टू टेक द विड्रॉल ओनली 100 ओकॉइन फॉर टेस्टिंग, अगर ये सक्सेसफुली 100 ओकॉइन मेरे बैंक में ट्रांसफर हो गए, एंड देन वी हैड ऑलरेडी यूज द स्विफ्ट कोड, मैंने ऑलरेडी जो है स्विफ्ट कोड वहां पे यूज किया हुआ है, अगर वो ट्रांसफर हो गए मेरे 100 ओकॉइन तो ठीक है, मैंने अपना सब कुछ सही किया है, उसके बाद हम अपना पूरा लगा सकते हैं। तो अगर आपका फेल हुआ तो फेल का रीजन भी हम सब लोगों को मिल जाएगा, तो आप लोगों को ज्यादा परेशान होने की या टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ओके, तो कमीशन तो हमारा आने वाला है, और आज से लास्ट वीक में या उससे पहले हफ्ते में आपने देखा होगा कि एक पॉपअप आया था, उसमें कमीशन 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 3 बार लिखा था, आपने देखा होगा कमीशन 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 3 बार लिखा था, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन होगा कंपनी का, जो शायद अब हम लोगों को जल्दी पता लगने वाला है। वी थ्रो दैट वी वुड पे 10 million इन जनवरी एंड वी शुड बी एबल टू स्टार्ट दैट प्रोसेस नेक्स्ट वीक, वैसे तो ये जनवरी में ही मिलने वाला था 10 million, बट ये अब ये नेक्स्ट वीक में चला गया, और अगर ये नेक्स्ट वीक में गया है तो 10 million की जगह ये 38 million हो गया, ये अपने आप में एक और अलग चीज आ गई निकल के, पहले ये 10 million था बट नाउ 28 million विल बी मोर, अब ज्यादा हो गया ये। तो आई थिंक बोनस एंड कमीशन ये दोनों ही इसमें अवेलेबल हैं, 38 million इन बोनसेस एंड कमीशंस आर अवेलेबल एज ऑफ टुडे टू पे करने के लिए, आज की डेट में एस सर के पास 38 million अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे दूसरी चीज हम लोगों को ये सोचनी है कि यहाँ पे हमने अपने जो कमीशंस जो लगाए हुए हैं, अपने जो विड्रॉल्स लगाए हुए हैं, वो तो एक कमीशन का पार्ट हो गया, लेकिन बोनस ये एक अलग चीज है,
तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पे हमारा जो लगा हुआ है 10 मिलियन जो एस मुफारिस सर ने बताया था वो एक कमीशन का आई थिंक पार्ट होगा, तो आप यहाँ पे ये सोचिए कि 28 मिलियन क्या है, ये एज ए बोनसेस के रूप में भी हो सकता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा आने वाले वक्त के अंदर ऑन पैसिव से जो बोनस हम सब लोगों को जो मिलने वाला है, तो मुझे लगता है कि ये हमारे कमीशन से ज्यादा होने वाला है, ऑलवेज हमेशा कमीशन से ज्यादा होने वाला है। 38,700 विड्रॉल्स रिक्वेस्ट हैव बीन मेड, 37,000 से ज्यादा विड्रॉल लग चुके हैं अभी तक, एक एक काउंटिंग एक एक कैलकुलेशन को पता है। और अगर 37,000 से ज्यादा विड्रॉल लग चुके हैं और $20 से लेकर के $25,000 के बीच लोगों ने अपने अपने विड्रॉल लगाए हैं, 20 से लेकर के 25,000 के बीच, यानी कि किसी ने 100 का लगाया है, किसी ने 200 का, किसी ने हो सकता है कि 90 का ही लगाया हो सकता है किसी ने 500 का लगाया हो, इस तरीके से। तो यहाँ पे कितने लोगों को कमीशन, कितने लोगों को यहाँ पे देना है, तो ऐसे ने इसकी भी कैलकुलेशन की थी कि पर पर्सन इतना पड़ेगा और हमारे पास इतना अवेलेबल है, तो आराम से ये हो सकता है। तो ये एक कैलकुलेशन लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। वी लुक फॉरवर्ड टू हैव मिलियंस ऑफ पेमेंट्स अर्नर इन द कमिंग इयर्स। इसके अलावा हमारे पास ऐसे बहुत सारे और भी अर्नर्स यहाँ पर आने वाले हैं। अर्नर्स का मतलब ये है कि और भी यहाँ पर ऐसे हमारे लोग आने वाले हैं जो कि यहाँ पर इनकम कमाने के लिए आ रहे हैं, बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं। वी आर मेकिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट फाइनेंशियली ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसीलिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट एक फाइनेंशियली देखा जाए तो पड़ने वाला है इस पूरी दुनिया के ऊपर। अभी तक तो बहुत सारे हमने सीईओ देखे हैं कंपनियों के जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा है, लेकिन यहाँ पर हमारे ओन हमारे एस मुफारिस सर पहले ऐसे सीईओ निकल के आए हैं जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों के बारे में, इस पूरी दुनिया के बारे में सोच रहे हैं कि उन लोगों को किस तरीके से इस सिस्टम के माध्यम से जो है एक अच्छा खासा रेवेन्यू दिया जाए। देखो कोई भी जो है इंसान अपने फ्री में कोई पैसे लुटाने के लिए नहीं बैठा है, एक सिस्टम वो जरूर क्रिएट करता है और वो सिस्टम यहाँ पर एस सर ने पूरी तरीके से क्रिएट कर दिया है। इफ यू ओनली अंडरस्टैंड 1% ऑफ द पोटेंशियल ऑफ दिस कंपनी, यू आर इन अ ग्रेट प्लेस। एस सर ने इस एक लाइन में बहुत कुछ कह दिया है अगर हम इस लाइन को सही तरीके से समझते हैं तो। क्या अगर हम इस कंपनी की पोटेंशियल को अगर हम समझते हैं, अगर 1% भी अगर हम समझते हैं, 1% वी कैन अंडरस्टैंड ओनली 1% द पोटेंशियल ऑफ ऑन पैसिव, देन यू ऑलवेज प्राउड योरसेल्फ एंड यू ऑलवेज थिंक दैट यू आर ऑन द राइट प्लेस, ग्रेट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। आप एक दुनिया के महान, सबसे बड़ी, एक सबसे अच्छी बेहतरीन जगह पर हैं। अगर पोटेंशियल अगर आपको इसकी समझ में आ गई है, अगर पिछले 2-3 साल से तो ऑलरेडी हम सब लोग ऐड हैं यहाँ पे, 2-3 साल से हम ऑलरेडी अपडेट भी ले रहे हैं, एस मुफारिस सर के सेशन भी अटेंड कर रहे हैं, लगातार जो यहाँ पर काम चल रहा है उसको भी देख रहे हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि इसकी पोटेंशियल क्या है। और अगर हमने आज की डेट के हिसाब से देखा जाए कि अगर हमने इसको समझ लिया है, अगर 1% भी समझ लिया है, तो हम एक बहुत बड़े यहाँ पर पोजिशन पर हैं। बस आपको इतना समझना है यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हमारे बैकग्राउंड में हो रही हैं और होने वाली भी हैं। सो आई थिंक हम सब लोगों को पूरी तरीके से यहाँ पर एक्टिव रहना है, और ये जो जनवरी का महीना तो आई थिंक निकल ही चुका है, लेकिन अब नेक्स्ट वीक से हम सब लोगों का जो पेमेंट है वो भी हो सकता है कि हम सब लोगों के अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। वैसे तो बोला है, लेकिन ये रियल टाइम पे फिर भी हम कहेंगे कि रियल टाइम पे ही पता चलेगा, फिर भी डेट जो आगे पीछे हो सकती है, अगर कोई भी चीज बीच में अगर प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई क्रिएट नहीं होती है, स्मूथली सब कुछ चलता रहता है, तो यहाँ पे सब कुछ आराम से चलता रहेगा। सो आई थिंक ये जो हमारा दौर है, इस दौर को हमें समझना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, एल्गोरिदम, ऑटोमेशन, डीप लर्निंग एंड इसके अलावा डाटा साइंस, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऑन पैसिव में अपना काम करने वाली है। मशीन लर्निंग, आई थिंक मोस्टली पर्सन नोज वेरी वेल दैट व्हाट इज मशीन लर्निंग, व्हाट इज डीप लर्निंग,
what is automation, what is algorithm. Algorithm is the most important part in the any digital company. चाहे फिर वो गूगल हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो अपनी ऑन पैसिव कंपनी हो, इसके अलावा चाहे वो एप्पल हो, एक्स बाय जेड, देर आर सो मैनी, इंस्टाग्राम ऑल्सो देर, कोई भी कंपनी हो जो डिजिटल तरीके से अपना काम कर रही है. एंड दोज ऑल दोज आर कंपनी दोज आर डिपेंड ओनली ऑन डाटा. वो सारी कंपनी जो डाटा पर डिपेंड है, देन द एल्गोरिदम विल बी वर्क वन ऑफ द यूनिक सिस्टम. ये एक यूनिक सिस्टम होता है जो उसके अंदर काम करता है, एल्गोरिदम जो काम करता है. अभी हम जो ऑटोमेशन की बात करते हैं, अभी हम जो ऑटोमेटिक ट्रैफिक की बात करते हैं, ये सब कहां से आएगा? ये सब आने वाला है एल्गोरिदम से. शायद हमने एल्गोरिदम के बारे में पढ़ा नहीं है सही तरीके से. ये पांच चीजें हैं, पांच चीजें जो ऑन पैसिव के अंदर जादू करने वाली है, और जो आज हम और हमारे सभी सीनियर लीडर्स और हमारी टेक्निकल टीम, हमारे एस मुफारिसर, जिस बात को लेकर के हमेशा पूरी तरीके से निश्चिंत रहते हैं, बिल्कुल बेफिक्र रहते हैं, वो ये पांच चीजें हैं. मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ऑटोमेशन, एल्गोरिदम, डाटा साइंस. अगर इन सारी चीजों पर जैसे ये काम बस खत्म हो ही चुका है लगभग लगभग, एंड द फोर पिलर्स आर ऑलरेडी डन. You know very well that four pillars are already done. The one pillar is pending, and this pillar is going to the last stage. ये last stage में चल रहा है. अब ये कौन सा है? Ecosystem is done, one pillar. Number two, data center is done. Number three, domain is done. Number four, KYC, O verify. And number five, नंबर फाइव कौन सा हो गया? डाटा साइंस, वेरीफाई, डोमेन, हाँ, बैंकिंग सिस्टम. नंबर फाइव, बैंकिंग सिस्टम. ये हमारे पांच पिलर हैं. अब इसमें से तीन ऑलरेडी डन हो चुके हैं, वो हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन एस मुफारिसर ने कहा है कि चार डन हो चुके हैं. तो चार कौन से डन हो चुके हैं? चार, वो आई थिंक चौथा है हमारा बैंकिंग सिस्टम, यानी कि हमारा जो पे इन पे आउट वाला सिस्टम है, ये डन हो चुका है, क्योंकि अब अगले हफ्ते से पे आउट भी तो आने शुरू होने वाले हैं. तो सिर्फ एक ही बचा हुआ है, कौन सा? ओ वेरीफाई. सिर्फ एक पिलर ही यहां पर बचा हुआ है, ओ वेरीफाई. बस इसको थोड़ा सा कंप्लीट होने दें, उसके बाद हमारे ये जो पांच पिलर हैं वो पूरी तरीके से यहां पे कंप्लीट हो जाएंगे. उसके बाद हम पूरी तरीके से इस दुनिया के अंदर आने वाले हैं. फिर देखेंगे कि यहां पर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ऑन पैसिव में नहीं आना चाहेगा. हर एक व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ यहां पर 100% यहां पर होने वाला है. अब यहां पर कुछ और चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं. सबसे पहली चीज तो यह है कि हम एक आईटी सेक्टर के अंदर हैं. वी विल नो वेरी वेल दैट. सबसे पहली चीज, हमें अपने आप को यहां पर एक स्टैंडर्ड तरीके से मेंटेन करके रखना है. सबसे पहली चीज, अपना स्टैंडर्ड क्या है वो आप देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझना है आप किस टाइप की कंपनी के अंदर हैं, और आपका जो पूरा का पूरा एक स्टैंडर्ड है, आपका जो एक पूरा वेज है, वो क्या होना चाहिए. उसके बाद आपको करैक्टर पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है. जी हाँ, करैक्टर पर. करैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. इसके बाद आपको यहाँ पर इंटेंशन पर ध्यान देना है सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर जब आप किसी के पास जाएंगे और आपकी जो सोच होगी, हमेशा जब हम किसी से बात करते हैं तो अपने इंटेंशन के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर बात करते हैं. तो प्लीज इन सारी चीजों को हमें ध्यान रखना है. कस्टमर को उल्टी सीधी बातें बता करके हमें यहाँ पर नहीं लाना है. प्रोफेशनल बिहेवियर, इन सारी चीजों को हमें समझना है. इसके अलावा नेगेटिविटी से जितना दूर हो सके हमें रहना है, और लोगों को बिल्कुल भी नहीं बोलने देना है. इसके अलावा कस्टमर को जो है किस तरीके से लीड करना है, हमारे फाउंडिंग मेंबर्स को किस तरीके से लीड करना है जो हमारे पैनल में है, जो हमारे इकोसिस्टम के अंदर है. एंड इसके अलावा हमें किस तरीके की लोगों को जो है हेल्प करनी है, एक हेल्पफुल नेचर भी हमें हम सब लोगों को चाहिए. और हाँ, ईगो को बिल्कुल आपको अपने से दूर रखना है. जेलसी वाली जो फीलिंग है उसको दूर रखना है, और ईगो मस्ट बी जीरो. हमारा जो ईगो है वो पूरी तरीके से जीरो होना चाहिए इस फील्ड के अंदर.
तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ग्रो करने में आपकी हेल्प करने वाली है। सो बस आई थिंक आप भी पूरी तरीके से अपनी कमर कस लीजिए, तैयारी कर लीजिए, क्योंकि हम पूरी तरीके से रेडी हो रहे हैं। वी आर गोइंग टू रेडी फॉर बैंग बैंग इन 2024 एंड देन आवर पे आउट सिस्टम एंड एवरीथिंग इज एल्स इज रेडी फॉर द एवरी फाउंडिंग मेंबर्स एंड एज वेल एज द कस्टमर। सभी के पास जाने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। एंड देन द मोर बिलियंस ऑफ द कस्टमर्स आर कमिंग इन कमिंग डेज। बहुत ही जो कस्टमर हैं बहुत बड़ी तादाद में हमारे इस इकोसिस्टम में आने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठे हुए हैं। बस एक हमारे एसर को हरी झंडी दिखाने की जरूरत है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, वी आर सोनेट टू विन इट।